लड़का अगर लिप बाम भी लगा ले तो बोलते हैं लड़की हो क्या, अरे नहा के नहीं आई है क्या? Are you okay? What happened? Why are you crying? एक पैमाना होता है कि अगर आप गोरे हैं, आप मेकअप नहीं भी करेंगे तो भी आप अच्छे ही माने जाएंगे कि वो ये अच्छी लग रही है। ओ, तो तुम मेकअप कर रही हो, तुम किसी से मिलने जा रही होगी, या अगर आज तुमने मेकअप नहीं किया तब ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं, ब्रेकअप हो गया होगा इसलिए मेकअप नहीं किया। आप जैसे हैं आप ठीक है, खुद को कॉन्फिडेंट रखिए ये वो, बट ये इतना इजी नहीं होता है। Because I feel very, very confident. Or I don't know, I just feel confident wearing a makeup when I'm in front of the camera. Aise to without kajal also I can go anywhere in this entire world. हमें इतनी सोशल मीडिया की आदत हो गई है, फोटो अपलोड करने की आदत हो गई है कि हम चाहते हैं कि एक ड्रेस हमने पहन लिया तो हम दोबारा नहीं पहनेंगे, हम ऐसा लुक कैरी कर चुके हैं तो हमें दूसरा लुक ट्राई करना है। बस सोशल मीडिया की वजह से हम अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारी मम्मियाँ भी इतनी मेकअप नहीं करती थी, बट दे कैरीड द नेचुरल ब्यूटी और वो उतनी ब्यूटीफुल लगती थी, एलिगेंट लगती थी। आई थिंक सिंपल चीज़ हमेशा ज़्यादा बेटर होता है। मत करो, तुम्हारा मन नहीं करता, जो मन करता है वो करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिना मेकअप खूबसूरत लगते हो, मत करो, किसी के कहने पे खुद को मत बदलो, कभी भी नहीं। एक पैमाना होता है कि अगर आप गोरे हैं, आप मेकअप नहीं भी करेंगे तो भी आप अच्छे ही माने जाएंगे कि वो ये अच्छी लग रही है। आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है तो आपको मेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है, या उनको ऐसा लगता है कि यार मेकअप करके थोड़ा कलर हमारा फेयर हो जाए, हम थोड़े ज़्यादा अच्छे लगे। तो ठीक है, पर्सन टू पर्सन है, बट मुझे लगता है कि खुद को अच्छा लगना कॉन्फिडेंट देता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। यू नो, जब आप अपने सर्कल में होते हो तो कई बार आप मतलब बहुत अच्छे नहीं दिखते हो, आप मतलब कुछ भी पहन लेते हो, मतलब सोचते नहीं हो ज़्यादा। तो मुझे कई बार मेरे दोस्तों ने कहा नहा के नहीं आई है क्या, तो हाँ मेरे साथ हुआ है कई बार। और हाँ, जिस दिन मैं मेकअप करके आती हूँ, लाइक मेकअप एज इन थोड़ा सा लिपस्टिक या लाइनर भी लगा लो, तो लोगों को लगता है कि हाँ आज ये नहा के आई है, तो होता है मेरे साथ। बचपन में तो माँ सबको काजल लगाती हैं, बट आप धीरे धीरे बड़े होते हो, लड़का अगर लिप बाम भी लगा ले तो बोलते हैं लड़की हो क्या, दे डू दैट। सो आप उनको ये सबकॉन्शियसली सिखा देते हैं कि लिसन, इफ यू आर डूइंग दिस यू आर अ गर्ल, सो गर्ल इज सपोज टू पुट ऑन मेकअप, सो दिस इज हाउ यू कंडीशन अ गर्ल। शुरुआत में जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो पहले का जो एक हफ्ता होता है, यू ड्रेस रियली वेल एंड एवरीथिंग इज एकदम ऑन पॉइंट, मेकअप, हेयर एंड स्टफ। बट लेटर जब आप थोड़े सेटल कर जाते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस टीम में, देन यू ड्रेस द वे यू आर। और फिर मैंने आना ऐसे शुरू कर दिया विदाउट काजल और विदाउट आई लाइनर, विदाउट लिपस्टिक, जस्ट द वे आई एम एट होम, वैसे मैं आने लगी, बिकॉज पीपल वेर देन आस्किंग कि आर यू ओके, what happened, why are you crying, is everything okay at your place? So yes, people have this perception ki agar aap taiyar ho ke nahi aaye ho to aap thode se aise vichlit honge, isliye aapka man nahi kiya taiyar hone ka, and shit like that. And lipstick is one thing, if a girl smokes it doesn't matter, you know, she can put a lipstick on and it will be pink, for guys it's gonna be black, so we have a perk, it's a perk for us, but we should not just exploit it and look caked up. Why do you think it's important to, you know, make your lips pink? किसी की है ब्लैक लिप्स तो क्या? एक ऐसी भी मॉडल है या फिर जो भी 20 साल की लड़की जो रैंप पर चली गई बिना मेकअप के, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने वो फोटोज देखी, मुझे लगा कि वाओ, ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह खुद को अच्छा बेहतर दिखाने के लिए एफर्ट लगाओ। ठीक है, हर कोई एक जैसा या बहुत खूबसूरत हो, ये जरूरी नहीं है। और पहली बात तो खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं है, हमने सेट कर दिया है कि हाँ अगर आप गोरे हो, आपके बाल अच्छे हैं, मेरे पास नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हर कोई खूबसूरत होता है। ऐसा कभी हुआ नहीं, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट, बट मे बी शी विल गिव मोर स्ट्रेंथ टू पीपल हु वुड वांट टू कम आउट एंड कम्पीट विदाउट मेकअप, एंड हैंड्स डाउन शी लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। सो कई बार हमारे अपने कुछ beliefs होते हैं, oh I don't have a good nose so let me just contour it, I don't have a jaw lines let me just fake it। अब मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा move था, ऐसा होना भी चाहिए कि अगर आप naturally बिना makeup के confident feel करते हैं और आप अच्छा feel कर रहे हैं, ठीक है, go for it, जाना चाहिए, जाइए, ये change है, होना चाहिए।
पीपल कैन गो ऑन सच अ प्लेटफॉर्म विदाउट मेकअप एंड स्टिल बी सेलेक्टेड. इट्स मोर ऑफ अ वेरी इन्फ्लुएंसिंग मूव फॉर एवरीबडी एल्स बिकॉज आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय हर दैट इफ वी हैव ऑलवेज सीन ऑन टीवी पीपल ऑलवेज बीइंग सो केट अप और मेकअप एंड यू नो ड्रेस्ड अप वंस वी सी देम लाइक अ नॉर्मल पर्सन वी फील येस दैट्स व्हाई देयर इज दिस थिंग ऑल्सो विद एंड विदाउट मेकअप फीमेल विद मेकअप एंड विदाउट मेकअप सो वी शुड ग्रो आउट ऑफ दैट एज वेल इफ यू पुट मेकअप इट्स फॉर अस इफ शी डिडंट पुट मेकअप विच इज यू नो गुड फॉर हर शी गॉट सेलेक्टेड on her own, you know, capabilities or without makeup. So that's pretty. To be very honest, अगर उसका बात करने का अच्छा मतलब अंदाज बहुत अच्छा है वो जो बोल रही हैं उनका तरीका मेरे लिए जो बहुत मैटर करता है वो मैटर करता है कि कोई इंसान किस तरह बात कर रहा है कैसे बोल रहा है कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहा है तो अगर वो इतना इम्प्रेसिव है तो शायद मेकअप ना भी हो तो चलेगा. मुझे लगता है कि मेरा रिएक्शन मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं देखा है. मतलब अगर मैं देखती तो मुझे लगता कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है मेकअप मतलब जो एंकर्स होती है उनके चेहरे पे कोई दाग नहीं होता एकदम क्लियर होती हैं. लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारे सबके अंदर फ्लॉज है और वो दिखाना चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है. अच्छा हुआ है ऐसा मेरे साथ कि मैंने देखा है एक एंकर को जिसने बिना किसी मेकअप के मतलब हड़बड़ में लेट हो गया था बुलेटिन के लिए एंड शी वेंट मतलब बाल भी उसके कोम नहीं थे. तो आई रियली अप्रिशिएट कि उतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर और मेरे अंदर नहीं है कहीं ना कहीं बट आई अप्रिशिएट कि वाओ. आई नो ये कहना बहुत इजी होता है कि आप जैसे हैं आप ठीक है खुद को कॉन्फिडेंट रखिए ये वो बट ये इतना इजी नहीं होता है. लोग इवन मुझे अगर एक्ने हो जाए या बहुत स्पॉट्स हों आप उसको छुपाने के लिए मेकअप करते हैं तो कहना चाहिए तो ये है कि ठीक है आप जैसे हो एक्सेप्ट करो लेकिन ये उतना इजी नहीं होता मुझे ऐसा लगता है. ब्यूटी जो कॉन्टेस्ट होता है वो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता. ब्यूटी किस आधार पे हम डिसाइड करते पहले हम ही एक पैमाना बनाते हैं कि लड़कियां खूबसूरत पतली अच्छे कपड़े में आईलैशेस खूबसूरत गोरा चेहरा लंबे बाल फिर हम ही उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि लड़कियां क्या करती है लड़कियां सिर्फ मेकअप ही तो करती है. मेकअप इज चेरी ऑन द टॉप फॉर अस इट शुडंट बी द चेरी इटसेल्फ. That's one thing I feel. Don't do it for others, do it for yourself. If you don't like your dark circles, cover them. But if you're okay that you are working hard and you know you have sleepless night or you are doing this and that and you have dark circles, embrace your dark circles. Embrace your fat. You have eaten that much to get heavy cheeks, to get the fat on your, you know, face. So embrace it. Rather than being ashamed of it, just be there with it. Agar aap comfortable ho yaar तो ठीक है. मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने आंखों में ऐसे फेक लैशेस लगा रखे हैं जो अगर निकाल के मैं झाड़ू लगा दूँ उसमें ठीक है. तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो उतने बड़े लैशेस लगा करके तो आप लगाओ और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो प्लीज़ आप मत लगाओ. प्लीज़ डू वट एवर यू फील बट बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड कम्फर्टेबल. सो रिसेंटली मेरा इंगेजमेंट हुआ था और मेरा हेयर बहुत गंदे तरीके से किसी ने कर दिया था पार्लर वाली ने तो मुझे उसके लिए कमेंट्स आए मिले थे कि मेरा एक हेयर बहुत अच्छा नहीं था तो उसके ऑब्वियसली आई फेल्ट बैड. एक एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि जब आप अपने अच्छे डे पे तैयार हो रहे हो तो लोग आपको लाइक करें तो जब वो नहीं हुआ तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंट तो हुई थी उस कमेंट से. सो एनीथिंग दैट पुट्स यू एट अ स्पॉट वेयर यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ यू शुडंट बी डूइंग इट. फील ब्यूटीफुल इन योर ओन स्किन. Not just a layer of makeup can make you beautiful. It's you, your inner personality that makes you beautiful.